हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई दिनभर की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, मोदी से कोरोना पर मंत्रणा के बाद हिमाचल के सीमावर्ती जिलों में ज़्यादा सख्ती की तैयारी में सीएम जयराम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना महामारी पर मंत्रणा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीमावर्ती जिलों में और सख्ती की तैयारी में हैं। सीमावर्ती जिलों कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन आदि में संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। आने वाले दिनों में यहां आवाजाही पर बंदिशें और बढ़ सकती हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने शनिवार को इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है। सीएम बोले, प्रधानमंत्री ने छोटे और गरीब लोगों की आजीविका को भी ध्यान में रखने को कहा है। पीएम ने कहा कि थोड़े समय के लिए बंदिशें सही हैं मगर लंबे वक्त तक इसे भी मद्देनजर रखना है। तो इसके अलावा बात करें तो सरकार के खिलाफ बोलने वाले वकील का इतिहास जानता हूं, जयराम ठाकुर। तो सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो सरकार को गाली देने दिए बगैर नहीं रह सकते हैं। एक वकील सरकार के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, पहले वह कहाँ होते थे, कहाँ पहुँच गए हैं, यह सब वो जानते हैं, वह उनका इतिहास जानते हैं। यह संकट का समय है, इस वक्त सबको सहयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट अपडेट है, आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा दूसरी बार कोरोना संक्रमित। तो आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हुआ था। एचआरटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीक्षक समेत 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण विभाग के 3 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में 212 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे हैं। हमीरपुर व्यापार मंडल के प्रधान भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, विभाग का दावा, हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त ऑक्सीजन। तो स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश के कोविड 19 स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में इसकी कमी नहीं है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के प्लांटों में लगातार ऑक्सीजन बन रही है। 2 हफ्तों में हमीरपुर, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग और कमी पर नजर रखने को सरकार ने निगरानी समिति बनाई है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास, तेज हवा से ढह गया 19 लाख से बन रहे फुट ब्रिज का ढांचा। तो सतलुज नदी पर 19 लाख रुपए की लागत से बन रहा चाबा शाखरा फुट ब्रिज का ढांचा शनिवार को तेज हवाओं में ढह गया। हादसे के समय पुल का निर्माण रुका था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस पुल के निर्माण से मंडी और शिमला की करीब 500 की आबादी को फायदा मिलना था। लोनिव के आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, मामले की जाँच की जा रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना संक्रमितों के मददगार बने एथलेटिक कोच गोपाल। तो कोरोना संकट काल में हर कोई अपनी ओर से कोई ना कोई मदद कर रहा है, चाहे राशन बांटकर गरीबों की मदद करना हो या फिर गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाने की बात हो। ऐसी ही मिसाल पेश की है एथलेटिक कोच गोपाल ठाकुर ने, वह ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के लिए मददगार बने हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, बाहरी राज्यों से रोजाना आ रहे 40,000 वाहन, 5,000 ई पास से। तो पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हरियाणा के साथ लगते बैरियरों का निरीक्षण किया और वहां हो रहे कार्य पर संतोष जताया। बद्दी प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि बीबीएन में बाहरी राज्यों से प्रतिदिन 40,000 वाहन आ रहे हैं, इनमें 35,000 वाहन ट्रांसपोर्ट के हैं, 5,000 वाहन ई पास पर आ रहे हैं। बद्दी पुलिस ई पास पर आने वाले वाहन संचालकों की जाँच की जा रही है। अब हरियाणा में भी ई पास शुरू हो गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, अब 2 लाख से अधिक का नकद भुगतान ले सकेंगे स्वास्थ्य संस्थान। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान अब 2 लाख रुपए से अधिक का नकद भुगतान ले सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालयों के निर्देशों का हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को भी लाभ होगा। कोरोना आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल केंद्रों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि की है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 1 साल से नहीं ली छुट्टी, 300 से ज्यादा शवों का कर चुके दाह संस्कार। तो कोरोना के डर से कई लोग जहां अपने रिश्तेदारों तक के शव ले जाने से मुकर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक शख्स ऐसा भी है जो अब तक 300 से ज्यादा
कोरोना पीड़ितों का दाह संस्कार कर चुका है। यह कोरोना वॉरियर रोजाना लगातार 12 से 16 घंटे तक पीपी पहनकर और बिना कुछ खाए पिए 5 से 10 शवों का दाह संस्कार कर रहा है। बीते एक साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। इस वॉरियर का नाम है रजनीश। 41 साल का रजनीश नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात है। तो नेक्स्ट अपडेट है, मामूली कहां सुनी पर दांतों से चबाकर अलग कर डाली उंगली, इलाज के बाद भी नहीं जुड़ी। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत धनेटा के ब्लोह गांव में दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी में एक व्यक्ति ने दूसरे की उंगली दांतों से डाली कि वह हाथ से पूरी तरह अलग हो गई। चिकित्सकों की लाख कोशिशों के बावजूद उंगली को दोबारा नहीं जोड़ा जा सका। नादौन पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित राजेश कुमार पुत्र दर्शन कुमार निवासी गाँव ब्लोह ने कहा कि 5 मई को दोपहर के समय जब वह अपने ट्राले में तूड़ी लेकर घर की ओर जा रहा था तो घर के निकट ही उसके पड़ोसी ईश्वर कुमार ने ट्राला रोककर उसे ड्राइविंग सीट पर ही मारना पीटना आरंभ कर दिया। तो नेक्स्ट अपडेट है, ऊर्जा मंत्री सुखराम बोले वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही लिया जाए शटडाउन। तो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही किसी भी क्षेत्र में बिजली का शटडाउन लेने के निर्देश दिए हैं। कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों, अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांटों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई जारी रखी जाए। तो अपरिहार्य परिस्थितियों में लगातार मरम्मत कार्य जारी रखते हुए व्यवधानों को दूर किया जाए। मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान न आने दिया जाए, जिससे कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 के दौरान आम जनता घर पर ही रहे। तो नेक्स्ट अपडेट है, मास्क न पहनने पर 34 लोगों के चालान। तो कोरोना महामारी के चलते पुलिस ने जिले में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 34 लोगों के चालान कर 20,000 रुपये जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 326 वाहनों के चालान किए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, खेतों में जा रहे माँ बेटी की पिटाई मामला दर्ज। तो भंगाणा उन्ना पुलिस थाना भंगाणा के तहत तलमेहड़ा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। तलमेहड़ा निवासी व्यक्ति ज्ञानचंद ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी पत्नी सुमन शर्मा और बेटा अविनाश खेतों में जा रहे थे तो विजय कुमार, विनय कुमार, शिवू, निर्मला देवी गांव खडोह तलमेहड़ा सभी लोगों ने रास्ता रोककर डंडों से पीट पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। तो इससे उसकी पत्नी सुमन शर्मा और लड़का अविनाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, खेतों में जा रहे मां बेटी की पिटाई मामला दर्ज। तो भंगाणा उन्ना पुलिस थाना भंगाणा के तहत तलमेहड़ा में एक जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। तलमेहड़ा निवासी व्यक्ति ज्ञानचंद ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी पत्नी सुमन शर्मा और बेटा अविनाश खेतों में जा रहे थे तो विजय कुमार, विनय कुमार, शिवू, निर्मला देवी गांव खडोह तलमेहड़ा सभी लोगों ने रास्ता रोककर डंडों से पीट पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। तो इससे उसकी पत्नी सुमन शर्मा और लड़का अविनाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शादी में सामूहिक भोज पर 5 के खिलाफ मामला दर्ज। तो संतोषगढ़ उन्ना शादी समारोह में सामूहिक भोज का आयोजन सनोली गांव के 5 लोगों को महंगा पड़ा है। बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजन करने पर खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज कर लिए हैं। नगर परिषद संतोषगढ़ की सीमा से सटे सनोली गांव में 3 पुरुषों और 2 महिलाओं की ओर से शादी के उपलक्ष्य में रखे भोज आयोजन की प्रशासनिक स्तर पर अनुमति न लेने पर मामला दर्ज किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना काल में भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे अधिकारी, 4 माह में विजिलेंस ने पकड़े 16 घुसखोर। तो विजिलेंस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में विजिलेंस विभाग को मिली शिकायतों के बाद 16 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस दौरान जिला ऊना में सबसे अधिक 4 लोगों को पकड़ा गया है। दूसरे नंबर पर मंडी जिला है। तो नेक्स्ट अपडेट है, नाहन मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल घोषित, ओपीडी बंद।
तो डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को राज्य सरकार ने समर्पित अस्पताल घोषित कर दिया है। अब मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कोविड मरीजों का ही उपचार किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक ने नाहन में ओपीडी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ दिन भर की ताज़ा खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय हिमाचल।